स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलसाद में। दोस्तों, अगर आप फ्री फायर गेम को ओपन कर रहे हैं और फ्री फायर गेम को ओपन करते वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो फ्री फायर गेम है वो 99% से ऊपर नहीं जा रहा है और 99% पर जाकर आपका फ्री फायर गेम रुक जाता है, ओपन नहीं होता है, इस प्रॉब्लम का मैं आपको प्रॉपर 100% सलूशन देने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। मैंने वो ट्रिक पता लगा ली है जिसके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को बीच बीच में से कट कट करके देखते हैं तो हो सकता है जिस जगह मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हो, जिस जगह मैंने आपको वो ट्रिक बताई हो जिसके द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, तो ऐसे में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक पॉसिबिलिटी नहीं अनेक पॉसिबिलिटी बताऊंगा। ऐसे कई सारे टिप्स और कई सारी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और मेरा चैनल 7 साल से भी ज़्यादा पुराना है, 7 साल का एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में कूट कूट के भर देने वाला हूं। हर एक ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रॉब्लम को ठीक करने की। हर एक पॉसिबिलिटी हम ट्राई करेंगे, हर एक ट्रिक हम ट्राई करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे दिमाग के साथ हम इस ट्रिक को इस्तेमाल करने वाले हैं। जितनी हमसे हो सकता है उतनी हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को ठीक करने की। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। 7 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है आपको ये जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। हो सकता है फ्री फायर का सर्वर डाउन हो, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। हो सकता है आपने फ्री फायर में कोई सेटिंग गड़बड़ कर दी हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बारी बारी से मैं आपको एक एक करके सोल्यूशन बताने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रिक अप्लाई करने के बाद अपने फ्री फायर को गेम चलाकर देखना है ताकि आपको ठीक से पता लग पाए कौन सी ट्रिक के बाद आपका फ्री फायर चलने लगा है, कौन सी ट्रिक के बाद आपका फ्री फायर सही हुआ है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक जानता हूँ, अनगिनत ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कमेंट में आप मुझे ये भी बताइएगा आपके पास कौन सा फोन है, आपके पास 4G फोन है या फिर 5G फोन है, या फिर आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, आप नेटवर्क कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जिस भी कंपनी का आप नेटवर्क यूज करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो प्रॉब्लम है 4G फोन में भी आ रही है, 5G फोन में भी आ रही है, और दोनों का मैं आपको सलूशन बताने वाला हूँ। और आप मुझे ये भी बताइएगा आपके पास कौन से फोन में प्रॉब्लम आ रही है, 5G फोन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर 4G फोन में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले और सबसे आसान ट्रिक जान लेते हैं जिसके द्वारा आप यहाँ पर अपने फ्री फायर को चला सकते हैं अगर आपका फ्री फायर 99 पॉइंट पर रुक रहा है। और सबसे पहली और आसान ट्रिक ये है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे फ्री फायर। फ्री फायर सर्च करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पर इसे अपडेट कर लेना है अगर फ्री फायर गेम में अपडेट आई है। अपडेट करने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर फ्री फायर में पीछे से ही कोई प्रॉब्लम होती है, फ्री फायर के जो सर्वर वगैरह में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो अपडेट करने के बाद ठीक हो जाती है। अब आपको एक ट्रिक और आजमा कर देखनी है, अगर आपका फ्री फायर नहीं चल रहा है आपको अपने एक फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है और दूसरे फ़ोन से वाईफाई के द्वारा उसे कनेक्ट करके अपना फ्री फायर गेम प्ले करके देखना है, इस तरह भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। और बिना कोई सेटिंग किए आप एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करके देख सकते हैं, इससे भी आपकी जो समस्या है वो ठीक हो सकती है। शुरू में आपको मैं यहाँ पर आसान आसान ट्रिक बता रहा हूँ, एडवांस जो ट्रिक है वो वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पर बेसिक जो ट्रिक है उसे हम जान लेते हैं। और अब आपको अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन नीचे करने के बाद यहाँ पर अपने मोबाइल का डाटा 10 सेकंड के लिए ऑफ रखना है। 10 सेकंड के लिए आप अपने मोबाइल का डाटा बंद रखेंगे और 10 सेकंड बाद आप अपने मोबाइल के डाटा को चालू करेंगे, इससे आपका जो नेटवर्क है वो रेस्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। और अगर तब भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड को चालू करना है और एयरप्लेन मोड को आप 10 सेकंड के लिए चालू रखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इसे ऑफ कर देंगे और फिर से हमारा नेटवर्क आ जाएगा। अब ऐसे में आपका फ्री फायर अगर नहीं चल रहा था, 99% पर रुक रहा था, तो वो दोबारा चलने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। अगर आपका फ्री फायर तब भी नहीं चल रहा है तो अपने फ़ोन की सेटिंग को आप ओपन कीजिएगा। अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स पर टच करना है। ऐप्स पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर
फ्री फायर गेम दिख जाएगा। अगर फ्री फायर गेम नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर सी ऑल पर टच कीजिएगा। सी ऑल पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे फ्री फायर। जैसे आप यहाँ पर एफ आर लिखेंगे तो आपके सामने फ्री फायर मैक्स आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है, उसके बाद आपके सामने ये सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टोरेज एंड कैच पर टच करना है और यहाँ पर आपको क्लियर कैच पर टच करना है और उसके बाद आपको फ्री फायर गेम को प्ले करके देख लेना है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन अगर इस तरह भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पर टच करना है और यहाँ पर आपको डिलीट पर टच करने के बाद डाटा को डिलीट कर देना है। ऐसा करने से आपको अपने फ्री फायर को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा और फ्री फायर की जो अपडेट वगैरह है उसे डाउनलोड फिर से दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो फ्री फायर है वो चलने लगेगा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ये जो सेटिंग है आप आसानी से शॉर्टकट तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने फ्री फायर के ऊपर अपना अंगूठा कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर उंगली रखेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करने के बाद इस सेटिंग्स में आ सकते हैं और हर एक फ़ोन की सेटिंग्स अलग अलग होती है, तो इस फ़ोन में अलग सेटिंग है। मैं यहाँ पर आपको इस फ़ोन की जो सेटिंग है उसे भी समझा देता हूँ, इस फ़ोन में आपको क्या करना है। पहले मैं यहाँ पर इसका जो ब्राइटनेस है वो कम कर लेता हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएँ। अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है और आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स पर टच करना है, जैसे कि हम यहाँ पर ऐप्स पर टच करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मैनेज ऐप्स पर टच करेंगे और अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे फ्री फायर। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फ्री फायर, मैंने यहाँ पर एफ आर लिखा तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स आ चुका है। आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर सेटिंग में कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच पर टच करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियर डाटा और क्लियर कैच। पहले आप यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करेंगे, उसके बाद आप फ्री फायर को प्ले करके देखेंगे। अगर तब भी प्ले नहीं होता है, 99% पर रुकता है, तो आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पर टच करना है और क्लियर ऑल डाटा पर टच करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। और इस सेटिंग में आने का शॉर्टकट तरीका ये है, शॉर्टकट तरीके से अगर आप इस सेटिंग में आना चाहते हैं तो आपको अपने फ्री फायर पर कुछ समय के लिए अपना फिंगर या फिर अंगूठा होल्ड करना है और यहाँ पर एफ इन्फो पर टच करना है। आप यहाँ पर इसकी सेटिंग में शॉर्टकट तरीके से आ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये सेटिंग अगर कंप्लीट कर ली है तो आपका जो फ्री फायर है वो 100% चलने लगेगा, लेकिन अगर तब भी आपका फ्री फायर गेम नहीं चलता है तो आपको अपने फ़ोन में नेटवर्क सेटिंग करनी है। नेटवर्क सेटिंग में आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को दोबारा ओपन करना है। अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आप यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे। अब यहां पर आप इंटरनेट पर टच करेंगे और अपना वो सिम सेट करेंगे जिस सिम में आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। मैं यहां पर जियो का सिम सेट कर लेता हूं। अब यहां पर आपके सामने ये सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। आप यहां पर सबसे पहले अपने जियो के सिम को या फिर जो भी आप सिम चला रहे हैं उसे कुछ समय के लिए ऑफ करना है। यहां पर आप टर्न ऑफ पर टच करेंगे तो आपका सिम कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा और आपको 10 सेकंड बाद फिर से अपने सिम को चालू करना है। ऐसा करने से भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तब भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो यहाँ पर आपको कुछ और बेसिक सेटिंग का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको रोमिंग ऑन रखना है और नीचे आपको स्मार्ट 5G ऑन रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर आप एक्सेस पॉइंट नेम सेटिंग देख सकते हैं। एक्सेस पॉइंट नेम सेटिंग पर आप यहाँ पर जब टच करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगी। डिफॉल्ट यहाँ पर जियो 4G सेट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 5G सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको टच करना है और ये सेटिंग करनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपका जो फ्री फायर है वो नहीं अटकेगा और बहुत ही स्मूथ चलने लगेगा। ये सेटिंग आपको सीखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नेम में जियो 5G लिखना है और ओके पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ पर APN सेटिंग में जियो इंटरनेट लिखेंगे और प्रोक्सी पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड सर्वर MMSC और MMS प्रोक्सी MMS पोर्ट, ये सभी सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, नो सेट रहने देना है। उसके बाद आप यहां पर MCC में 405 सेट करेंगे और MNC में आप यहां पर 870 सेट करेंगे और ऑथोराइजेशन टाइप में आप यहां पर नोट सेट ही रहने देंगे। APN टाइप पर टच करने के बाद आप यहां पर डिफॉल्ट लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, SUPL लिखेंगे और कोमा लगाएंगे, उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे XCAP। अब यहां पर आप ओके पर टच करेंगे। ध्यान रहे हर फोन की सेटिंग अलग अलग होती है। दूसरे फोन की सेटिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरे फोन की सेटिंग में आपको क्या करना है। यहाँ पर इसीलिए मैंने दोनों फोन का यूज़ किया है। अब यहाँ पर आपको APN प्रोटोकॉल सेटिंग में IPv4 IPv6 डालना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल सेटिंग में आपको APv4 और IPv6 डालना है। और नीचे आप यहाँ पर बैरियर पर टच करने के बाद सभी को कंसेंट देंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप ओके पर टच करेंगे और फिर आप यहाँ पर
MVNOV टाइप पर टच करेंगे और यहाँ पर आप नन रहने देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो APN सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये सेटिंग करने से आपका जो फ्री फायर है काफ़ी स्मूथ चलने लगेगा और 99% जो रुक रहा था वो नहीं रुकेगा, नहीं अटकेगा, आपका फ्री फायर अच्छे से काम करने लगेगा। अब अगर आपको 4G फोन में भी ये सेटिंग करनी है तो हमारे पास दूसरा फोन है, क्योंकि हर फोन की सेटिंग अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो सिम सेट करना है जिसका आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस टाइप पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ पर परफेक्ट लाइट सेट करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पर आप एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करेंगे। यहाँ पर आपको APN सेटिंग मिल जाएगी। जिस कंपनी का भी आप सिम यूज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस एरो पर टच करना है और इस एरो पर टच करने के बाद आप ये तमाम सेटिंग देख सकते हैं। आपको ये सेटिंग करना है जो कि मैं सेटिंग इसमें ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेम में आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं। उसके बाद APN में आप WWW टाइप करेंगे, प्रोक्सी में नोट सेट, पोर्ट में नोट सेट, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, MMS प्रोक्सी, ये सब आप यहाँ पर खाली रखेंगे और MCC में आप यहाँ पर 405 और MNC में अब की बार यहाँ पर आप 666 एंटर करेंगे और ऑथोराइजेशन टाइप आप यहाँ पर नन रहने देंगे। APN सेटिंग में आप डिफॉल्ट SUPL लिखेंगे और APN प्रोटोकॉल सेटिंग में आप यहाँ पर IPv4, IPv6 और सेम आप APN रोमिंग प्रोटोकॉल में रहने देंगे। अब यहाँ पर बैरियर सेटिंग है, बैरियर सेटिंग पर आपको टच करना है और यहाँ पर आपको केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके पर टच करना है, क्योंकि हर एक फोन की सेटिंग अलग अलग होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर MVNO टाइप पर टच करेंगे और यहाँ पर आप नन रहने देंगे और अब आप यहाँ पर मोर पर टच करेंगे और इस सेटिंग को सेव कर देंगे। ये सेटिंग सेव करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो फ्री फायर है वो स्मूथली चलने लगेगा और आप आसानी से फ्री फायर को ओपन कर सकते हैं। 99% पर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। जैसे कि हम यहाँ पर अपने इस फोन पर फ्री फायर को ओपन करते हैं, मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ। तो यहाँ पर इस फोन में हमारा गेम ऑलरेडी प्ले है, मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ और हम अपने इस फोन में भी फ्री फायर को ओपन करके अब देख लेते हैं। मैं यहाँ पर फ्री फायर को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर हमारा जो फ्री फायर है वो ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर कन्फर्म पर टच करता हूँ और आपको फ्री फायर में लास्ट में एक सेटिंग और करनी है। आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर टच करना है अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करेंगे और आप यहाँ पर उसके बाद कंफर्म पर टच करेंगे। मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले ही इसे क्लियर कैच कर चुका हूँ। और आप यहाँ पर सेंड रिपोर्ट पर टच करेंगे। आप जब यहाँ पर बार बार सेंड रिपोर्ट पर टच करेंगे तो फ्री फायर की टीम को लगेगा वाकई फ्री फायर में कोई प्रॉब्लम है, तो फ्री फायर की जो टीम है आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने में कम से कम समय लगाएगी और जल्द से जल्द आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। वैसे मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है इस ट्रिक से आपका जो फ्री फायर है वो 100% चलने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर टच करता हूँ और देख लेते हैं हमारा जो गेम है वो चलता है या फिर 99% पर रुकता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 99% पर नहीं रुका है, हमारा जो गेम है वो प्ले हो चुका है। तो मुझे आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपका जो गेम है वो कौन सी ट्रिक से ठीक हुआ है, ठीक हुआ भी है या नहीं हुआ है, और आप कौन सी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कितने दिन से ये प्रॉब्लम आ रही थी ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप अपना नाम भी कमेंट में लिखते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।